मान संभाल ली है। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट से विधायक जगदीश देवड़ा और विंध्य की रीवा सीट से विधायक राजेंद्र शुक्ल ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सातवीं बार के विधायक, सियासत का लंबा अनुभव रखने वाले जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मंदसौर के मल्हारगढ़ सीट से आने वाले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का सियासी सफर काफी लंबा है। सातवीं बार के विधायक हैं जगदीश देवड़ा। उन्होंने BJYM से राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1990 में वो पहली बार विधायक बने। 1993 में उन्होंने दूसरी बार विधानसभा का चुनाव जीता। 2003 में तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। 2008 में चौथी बार विधानसभा के सदस्य बने। 2013 में पांचवी बार विधानसभा चुनाव जीते। 2018 में छठवीं बार विधानसभा के सदस्य बने। BJP सरकार में कई बार मंत्री रहे। देश में नंबर एक पर आए हमारा प्रदेश, विकास में भी और सारे जितने भी काम होते हैं उसमें सब अच्छे काम हो, प्रदेश हमारा आगे बढ़े, देश हमारा आगे बढ़े, यही भगवान से प्रार्थना करी। जगदीश देवड़ा के साथ ही रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ल ने भी दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजेंद्र शुक्ल विंध्य के कद्दावर नेताओं में शुमार है और 2018 की तरह ही 2023 में विंध्य से BJP को एक तरफा जीत दिलाने में शुक्ला की अहम भूमिका रही है। इनके सियासी सफर पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये सियासत के काफी पुराने महारथी हैं। रीवा विधानसभा से वो पांचवी बार विधायक चुने गए हैं। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के डायरेक्टर रहे हैं। 2003 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। 2008 में दोबारा विधानसभा सदस्य बने। 2013 में तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। 2018 में चौथी बार विधानसभा के सदस्य बने। 2023 में जनसंपर्क विभाग के मंत्री बने। शिवराज सरकार में वो चार बार मंत्री रहे। हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाना, उस दिशा में हम लोगों ने काम भी किया है। अब नए तरीके से जो आवश्यक रोड मैप है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको तैयार करके और उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्रियों के साथ अब मध्य प्रदेश की नई सरकार ने शपथ ले ली है। मध्य प्रदेश में BJP के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अनुभव और युवा जोश का तालमेल दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और आगे बढ़े।